राधिका का खुलासा। करण जौहर ने मुझे बोला था बस सूरत नहीं दिया था मौका। राधिका ने कहा कि जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे लिए स्क्रिप्ट की भरमार लगी थी। उस वक्त तो ऐसा था कि जो भी हो रहा था अच्छा था। फिल्म इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर के तौर पर अपना करियर बनाना काफी मुश्किल से भरा है। राधिका ने ऑडिशन में रिजेक्शन को लेकर कहा कि मैंने एक प्रोजेक्ट कर एक स्टार किड्स के वजह से गवाया है, लेकिन ये सभी सच है कि मेरा ऑडिशन अच्छा नहीं गया था। लेकिन जब आपको ऐसा कहा जाए कि आप अच्छे एक्टर हैं लेकिन देखने में अच्छे नहीं है, तो एक 20 साल की एक्ट्रेस के तौर पर आपका आत्मविश्वास गिर जाता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका मदान अपने करियर में कई फिल्मों में काम कर चुकी है। वे पटाखा और मर्द को दर्द नहीं होता जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। साथ ही राधिका इरफान खान के साथ फिल्म इंग्लिश मीडियम में भी दिखाई दे चुकी है। एक्ट्रेस को फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन राधिका से ये फिल्म ये कहकर वापस ले लिया गया था कि वे सुंदर नहीं है, और बाद में यही फिल्म स्टार किड्स को दे दी गई थी। आप सबका क्या कहना है राधिका के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।